हर मानसून सत्र में भूस्खलन, भूदशाओं और नदियों के कटाव से सड़कें ध्वस्त हो जाती हैं। इस मानसून सत्र में भी भारी मात्रा में सड़कों के टूटने से लोक निर्माण विभाग को भारी क्षति पहुंची है। ग्रामीण आंचलों को जोड़ने वाली ओखीमठ और रुद्रप्रयाग प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग की 87 सड़कें प्रभावित हुई हैं, जिन्हें अस्थायी तौर पर खोलने में ही 125 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि 400 करोड़ रुपए इन सड़कों को पूर्ण रूप से ठीक करने में लगेंगे। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का कहना है कि उन्हें अभी तक केवल 60 लाख रुपए की धनराशि ही आवंटित हुई है, जो संभवतः नाकाफी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों को ठीक करने के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है, लेकिन अभी धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है। अगर मैं नोडल के हैसियत से बात करूं तो इस जनपद में प्रायोरिटी की दो खंडे कीमत और प्रांतीय खंड से रुपया कुल 86 सड़कें हमारी प्रभावित हुई। सड़कें खोलने के लिए हमें जो धनराशि की आवश्यकता है वो है 125 करोड़, और 436 लाख की धनराशि हमें चाहिए पूर्वावस्था में लाने के लिए, अर्थात जो रिटेनिंग वॉल डैमेज हुई है उसके सापेक्ष हमें लगभग 50-60 लाख तो मुख्यालय से मिले हैं, और SDRF में हमने अभी कई आवेदन भेजे जिनकी स्वीकृति आनी चाहिए। श्रमिक मंत्र के लिए रुद्रप्रयाग संवाददाता प्रदीप सेमवाल की एक खास रिपोर्ट।